अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता है ये इंस्टेंट गीजर पड़ा है। मैंने मुझे डिमांड किया कि ये जो गीजर है इसे आपने 3-in-1 करना है। 3-in-1 का मकसद ये है गाइस, इसे अडाप्टर पे भी चलाना है। ये आप वीडियो पे साथ शो में कर रहा हूँ, मेंशन कर दिया मैंने, ये अडाप्टर है इसका। और दूसरे नंबर पे इसे जो एक सेल होता है उसे एक सेल पे भी चलाना है, जो एक सेल साल पूरे के लिए चलता है। नंबर 3, इसका जो अपनी सेल होते हैं, इसका जो अपनी सेल डब्बी ये वाली होती है, इसे सेल डब्बी पे भी इसे एक्टिव करना है और इसे अडाप्टर भी लगाना है और इसे एक सिंगल एक सेल भी लगाना है। जो एक सेल होता है वो पूरा साल के लिए चलता है। आपने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा है तो जो एक सेल है ये देख सकते हैं, ये सेल मेरे पास पड़े हैं, ये सेल मैं लगाऊंगा। ये एक सेल जो होता है ये पूरा इंशाल्लाह एक साल चलेगा। तो चलो आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप मुकम्मल देखना, वीडियो स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा किस तरह आपने इसे भी 3-in-1 करना है। तो पहले नंबर पर गाइस हमें चाहिए इस तरह का एक सेल, ये आप देख सकते हैं, इसके एमएच देख सकते हैं 4200 mAh का एक सेल है। अगर आप इसे वोल्टेज में देखें तो वोल्टेज इसके है 3.7 वोल्ट है इसके। तो हमें बस ये जो 3 पहले वोल्ट आते हैं ये हमें चाहिए, 7 के ऊपर वाले जो वोल्ट है वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास डायोड है, ये देख सकते हैं, ये 3 वोल्ट का डायोड है, ये देख सकते हैं, ये डायोड हम सेल को लगाएंगे और सेल को यहाँ इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ इस वायर के साथ। यहाँ इसकी ये सेल डब्बी लगती है, सेल डब्बी को मैंने हटा दिया पहले, तो ये वायर भी मैंने आगे से काट दी है ताकि हमें कनेक्शन करने में थोड़ा इजी हो सके, मुश्किल ना बने। तो सेल को हम पहले जो है ना ये डायोड लगा लेते हैं। ये गाइस देखें, डायोड के 2 कलर होते हैं, एक साइड ब्लैक होती है, ये देख लें, एक साइड ब्लैक है दूसरी साइड रेड है, ठीक है। इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेड को जो है ना वो माइनस वाली साइड पे हम रेड को लगा देंगे इसी तरह, ये देख सकते हैं, यहाँ से माइनस आएगी, यहाँ पे भी आगे जो ब्लैक कलर है यहाँ पे भी माइनस करंट इसकी गुजरेगी, तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायोड को इस जगह पे लगा लेते हैं। जी गाइस देख सकते हैं मैंने डायोड को यहाँ पे लगा दिया है। अब आगे का जो इसकी वायर ज्यादा अजाफी है वो हम यहाँ से काट लेते हैं, या ये देख सकते हैं आप मैंने आगे से काट लिया है, और यहाँ पर हम ब्लैक वायर लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे रेड कलर की, तो वो भी हम लगा लेते हैं। जी गाइस आपने ये देखे डायोड यहाँ पे लगा लिया है हमने, यहाँ इसके ऊपर हीट सिंक भी लगाएंगे ताकि इस पर इसका आपस में कहीं शॉर्ट सर्किट ना बन जाए, तो ताकि से इसको गर्म कर लेते हैं। ये देख सकते लगा लिया है, अब जो है इसे टेस्ट करते हैं। ये जो गाइस इसकी वायर है ना, ये वाली इसकी करंट की वायर है, मेन करंट की, तो यहाँ से हम बराबर काट लेते हैं। ये गाइस जो डायोड मैंने लगाया है, डायोड का बस काम यही है, ये देख सकते हैं आपने, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इसके 3.7 वोल्ट हैं, ऊपर के जो 7 वोल्ट है ना, 0.7 वोल्ट वो हमने खत्म किए हैं डायोड की मदद से। डायोड जो होगा वो हमें परफेक्ट 3 वोल्ट आगे देगा, इस तरह हमें जो किट की है, किट हमारी जो किट है वो खराब नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये वायर मैंने दोनों तरफ लगा दी है, इसकी प्लस भी और माइनस भी, ठीक है। माइनस की तरफ जो है ना मैंने वायर व्हाइट कलर की लगा दी है और दूसरी प्लस की तरफ मैंने रेड कलर की लगा दी है ताकि हमें बाद में कनेक्शन करने के याद रहे। तो प्लस की हम जो है ना रेड की जो रेड के साथ लगा लेते हैं और वाइट जो है वो ब्लैक के साथ लगा लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, अभी ये मैं आपको बस टेस्ट करवाने लगा हूँ। इसके ऊपर जो है ना वो हम अच्छे से जो है ना वो हीट स्लीव लगाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन होना है, सेल डब्बी का भी होना है, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन होना है वो डाप्टर का कनेक्शन, सारे जो कनेक्शन है यहाँ से होंगे, ये 2 वायर से, सेल डब्बी यहाँ से कनेक्ट होगी और दूसरे नंबर पर अडाप्टर भी जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं चला के। सेंसर की वायर मैंने उतार दी है और उसके बाद ये हमारे पास 2, 1 ये वाली रेड और ऑरेंज कलर की ये वायर है, तो हम इसे क्या करते हैं यहाँ पे आपस में इसे यहाँ पे अटैच करते हैं। हमारी ठीक से कनेक्ट नहीं हो रही यहाँ पे, तो इसलिए ये देख सकते हैं गैस कॉइल भी ऑन हो चुका है, आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा, इसकी स्पार्क भी आप आवाज़ सुन सकते हैं स्पार्क की भी। Thank you.
ये देख सकते हैं। अब जो है गाइस यहाँ पे हम जो है ना सेल डब्बी को भी कनेक्ट करेंगे और अडाप्टर को भी हम यहीं पे कनेक्ट करेंगे। तो इसके बीच में हम एक स्विच बटन लगाएंगे ताकि हम जब अडाप्टर यूज़ करें तो यहाँ से इसे पावर ऑफ कर लें बटन की मदद से। तो हम क्या करते हैं यहाँ से प्लस की तार उतार लेते हैं और दूसरी ये भी आधी तौर हम उतार लेते हैं ताकि हम जो है ना इसके आगे एक और वायर का पीस लगा सकें। जी गाइस ये देख सकते हैं मेरे पास अडाप्टर का फीमेल कनेक्टर है। तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, इस साइड पे हम माइनस जो है ना वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले चलो हम यहाँ इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये वायर है मेरे पास दो पीस, ये यहाँ इसे भी लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर भी वायर लगा ली है। अब इसके ऊपर हम स्लीप लगा लेते हैं। जी तो गाइज अब क्या करना है हमें यहाँ इसके वायर कनेक्शन करने हैं। ये देख सकते हैं ये प्लस है और ये माइनस है। ये देखिए ये ऊपर वाजिया हो रहा है, ये प्लस किया और ये माइनस किया। प्लस को प्लस के साथ अटैच करेंगे यहाँ कुछ ऐसे, और उसके बाद ये जो इसका अडाप्टर का फीमेल कनेक्टर है इसकी एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जो रेड वायर है रेड को हमने आपस में एक कर देना है, और उसके बाद ये सेल जो है इसका भी जो रेड कलर की वायर है वो भी हमने एक कर देनी है यहाँ पे। ये देख सकते हैं पीछे से जो रेड कलर की वायर आ रही है उसे अडाप्टर भी कनेक्ट है, ठीक है, और सेल भी कनेक्ट है और सेल डबी भी कनेक्ट है इसी तरह। अब इसके ऊपर हम अच्छे से टेप कर देंगे। तो उसके बाद इसकी माइनस की जो सेल डब्बी की माइनस की वायर है यहाँ ब्लैक कलर की है, ये यहाँ लगा देंगे, और अडाप्टर का कनेक्टर यहाँ लगाएंगे एक वायर। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो इसकी एक वायर सेल की है ये अभी नहीं लगाएंगे, इसके अंदर एक बटन लगाएंगे। सबसे पहले बटन लगाएंगे, उसके बाद हम जो है ना इसकी वायर यहाँ कनेक्ट करेंगे। बटन लगा के यहाँ इसकी वायर कनेक्ट करेंगे। हमने क्या करना होगा जब हम गीजर चलाएंगे, अगर हम यहाँ इस सेल से चला रहे हैं तो बटन हमें ऑन करना चाहिए, अडाप्टर को हमने उतार देना है, यहाँ से सेल भी निकाल देने हैं, और ये सेल जो है ये अकेला सेल चलेगा। अगर सेल वीक हो चुका है, सेल आपने उतार दिया यहाँ से, इस पर इसको आपने अडाप्टर से चलाना है, तो यहाँ आप सीधा जो है ना अडाप्टर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसका बटन ऑफ कर देंगे। तो अगर आपने यहाँ अडाप्टर से भी नहीं चलाना, यहाँ इस सेल से भी नहीं चलाना, तो ये जो जिसके बड़े सेल होते हैं अगर आपने इससे चलाना है तो आपको अडाप्टर उतारना पड़ेगा और यहाँ से इसका बटन भी ऑफ करना पड़ेगा, तो सेल डाल के आप सेल पे चला सकते हैं। तो उससे पहले गाइस क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको जो है ना वो बटन लगा लेते हैं। बटन लगाने के बाद आगे मैं आपको वन बाय वन इसकी जो टेस्टिंग करवाऊँगा, ये इस सेल पे और अडाप्टर पे, और इसमें सेल डाल के सभी की आपको मैं टेस्टिंग करवाऊँगा। जी हमने बटन यहाँ पे देखे हैं, बटन को वायर लगा ली है। अब बटन को यहाँ कनेक्ट करते हैं, एक वायर हम बटन की इस साइड पर कनेक्ट कर देंगे, जो सिंगल सेल है उसकी तरफ कनेक्ट करेंगे, और इसके ऊपर हम स्लीप लगा देंगे। तो इसकी जो बटन की दूसरी वायर है हमने यहाँ जो इसकी ब्लैक वायर है ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करना है कुछ ऐसे। जी गाइस ये देखें हमने यहाँ से बटन को ऑन करना है, ये देखें बटन ऑन है, तो इस सेल की करंट जो है ना गीजर को मिलेगी। बटन ऑफ कर दें, अडाप्टर लगा दें। अगर आपने इसे सेल को चार्ज भी करना हो तो फिर भी आप इसे बटन को ऑन करके अडाप्टर लगा दें, अडाप्टर से इसे यूज भी गीजर को यूज़ भी कर सकते हैं और साथ में सेल चार्ज भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप सेल को ऑफ कर दें, सेल चार्ज होना बंद हो जाएगा, तो सीधा डायरेक्टली जो है ना अडाप्टर की करंट से गीजर चलेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ इसके ऊपर मैं सबसे पहले टेप लगा लेता हूँ। टेप करने के बाद इसे यहाँ इसके अंदर सिंपली जैसे इसकी फिटिंग करनी है, फिटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ और वन बाई वन इसे आपके सामने मैं टेस्ट भी करूँगा।
जी गाइस, ये देख सकते हैं हमने प्रॉपर्ली से बंद कर दिया सारा, ये बटन नीचे छोड़ दिया है, और उसके बाद ये फीमेल कनेक्टर इसका अडाप्टर का ये साइड पे मैंने कर दिया है, और तीसरे नंबर पे ये जो सेल है सिंगल सेल, ये मैंने इसके साइड पे सेल डब्बी के नीचे कर दिया है। तो उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, इसे चला के चेक करते हैं वन बाय वन। इसे पहले अडाप्टर पे चलाएंगे, उसके बाद इसे सेल नीचे वाला जो सेल है एक सिंगल सेल है उस पर चलाएंगे, उसके बाद हम इसमें दो सेल डाल के उससे चलाएंगे वन बाय वन। आपको मैं प्रॉपरली सारा चेक करवाऊंगा, और सबसे अहम जो बात है गाइज वो बताना मैं भूल गया हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको जो डॉक्टर चार्जर लगता है वो 3 वोल्ट का इसे चार्जर कनेक्ट होना है। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास ये कनेक्ट चार्जर पड़ा है डॉक्टर, ये 3 वोल्ट का है, ये देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा है 3 वोल्ट, ठीक है, 1.5 एम्पेयर का है। तो ये इसे अडाप्टर लगाएंगे, मैं इसे आपको पहले चेक करवा देता हूँ। जी गाइस, ये देख सकते हैं आप, टेस्ट इसे करना है, टेस्ट कैसे करना है ये देख सकते हैं, पानी से डिस्कनेक्ट है, तो इसे हम नॉर्मली चेक करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने सेंसर इसका कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इस जगह पे मैंने वायर को जोड़ लगा दिया, यहाँ पर इसका बटन आता है, ये वाला बटन इसे बाद में हम लगाएंगे। तो अब क्या करते हैं हम इसे, जो यहाँ मैंने सिंगल सेल लगाया है सिंगल पे इसे टेस्ट करते हैं। ये देख सकते हैं बटन को मैंने ऑन किया है, यहाँ ऑफ है, इधर ऑन है। तो अब सिलेंडर भी मैंने कनेक्ट कर दिया है, हमारे पास पानी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम कैसे इस सिलाई से हम इसे जो है ना वो मैग्नेट को उठाएंगे, तो इसे चेक करने के लिए इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो यहाँ सेंसर के करीब नज़दीक आता है तो वो ये सेंसर जो है ना वो हरकत करना स्टार्ट कर लेता है, तो यहाँ गीजर में करंट की जो है ना सप्लाई चली जाती है। तो हम यहाँ से इसे मैग्नेट को उठाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ बटन को मैंने ऑफ किया है, सेल इसका डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ फिर से मैं ऑन करता हूँ, ये देख सकते हैं ये सिंगल सेल से कनेक्ट है। अब सेल को मैंने ऑफ करना है, इसे अडाप्टर पे मैंने कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये अडाप्टर है मेरे पास, तो ये बिजली पे मैंने कनेक्ट कर दिया पीछे से, तो यहाँ इधर कनेक्ट करते हैं, तो फिर से यहाँ सिलाई को उठाएंगे मैगनेट को, ये देख सकते हैं इधर, ये देख सकते हैं यहाँ से ऑफ है, तो यहाँ पे मैंने ये कनेक्ट किया है। तो अब हम यहाँ से इसे भी ख़त्म करेंगे, यहाँ से भी ऑफ है, और जो हमारा अडाप्टर है ये डिस्कनेक्ट है। तो अब जो इसे इसमें सेल डाल के उससे भी टेस्ट करते हैं, ये सेल है मेरे पास, ये सेल डाल के इसे टेस्ट करते हैं। दो टेस्ट मैंने आपके सामने चेक किए हैं, और तीसरा टेस्ट ये अब ये है, आपको सेल डालने का पता ही होगा, एक सीधा डलता है, एक उल्टी साइड उल्टी दिशा में डलता है। तो यहाँ सेल डाल के हम यहाँ से सेल डब्बी ऑफ कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ से बटन भी ऑफ है इसका, तो यहाँ से अडाप्टर भी डिस्कनेक्ट है। तो सेल से हम इसे अब चलाएंगे, ये अब जो है ना हम सेल पे इसे चेक करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर दिखाएं, इस साइड पे दिखाएं, ये देखें अडाप्टर भी डिस्कनेक्ट है, और ये सिंगल सेल भी डिस्कनेक्ट है, और सेल इसके कनेक्ट है। तो ये गाइस, इसे मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा इसे गैस दूंगा ये हाल ही चल रहा है, यहाँ से इसकी टंकी जो है ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पानी तो नहीं है, वैसे ही चल रहा है। अगर ज़्यादा इसे हीट मिली तो टंकी हमारी ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं आपको नॉर्मली थोड़ा थोड़ा सा चेक करवा रहा हूँ। चूल्हा चल पड़ा है, आपको ये मैंने ये बताना था, बस ये बिल्कुल 100% काम करता है। तो ये देखें, ये फीमेल कनेक्टेड है इसका, जो डॉक्टर का फीमेल कनेक्टर है, और नीचे से ये मैंने सेल का बटन लगाया है। अगर आप इसे सेल पे चलाना चाहते हैं या सेल को चार्ज करना चाहते हैं, तो ये आप इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लें, ठीक है, ये बटन को ऑन कर दें, यहाँ से सेल चार्ज होगा। आप 2 घंटे लगा लें, 3 घंटे लगा लें, ये सेल 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा, मुकम्मली श्योर चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से बटन को ऑफ कर दें, तो डॉक्टर की मदद से इसे कनेक्ट करें। अगर बिजली फर्ज करें आपकी बिजली बंद है, तो आप इसे ऑन कर दें, डॉक्टर को यहाँ से उतार दें, तो ये जो नीचे मैंने एक सेल लगाया उसकी मदद से ये गीजर चलेगा। अगर आप इसमें ये सेल ना भी डालें, तो इंशाल्लाह ये जो नीचे मैंने सेल लगाया है 1 साल पूरा चलेगा। तो वीडियो बनाने का मकसद, बस गाइस आपको दिखाने का मकसद यही है कि एक गीजर को हम कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 तरीके तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह कोई और मेरे जहन में आएगा तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, कैसी लगी है गाइस हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।